आज हम बनाएंगे टमाटो सूप गाजर चुकंदर के साथ। चलिए बनाते हैं। हमने लिए हैं 3-4 टमाटर, 2 छोटी गाजर और 1 मीडियम चुकंदर। साथ में लिए हैं नमक, 5-6 काली मिर्ची, जो ऑप्शनल है, आप लोग डालना पसंद करें तो डालें ना। और लिया है 1 लीटर पानी। तो चलिए बनाना शुरू करें। हम लोग सूप बनाना शुरू करते हैं। मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं 1/2 लीटर पानी डाल रही हूँ। पानी में मैं सारी सब्जियां डाल रही हूँ, गाजर, टमाटर और चुकंदर, और इसको मैं उबलने तक ढक दूंगी। गाजर, चुकंदर, टमाटर उबल गए हैं, करीब 3 से 4 मिनट लगा है, और मैं गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने दूंगी। टमाटर, गाजर, चुकंदर जो हमने उबाला वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, और अब हम इसको मिक्सी में चलाएंगे सूप बनाने के लिए। सूप की सामग्री पीसकर तैयार है। अब इसको हम उबालने के लिए वापस से पैन में डालेंगे, गैस ऑन करेंगे और ये सब कुछ पैन में डाल देंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है तो मैं इस गैस को मीडियम कर दूंगी, और जो एक सीक्रेट इसके अंदर इंग्रेडिएंट में यूज करने वाली थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके अंदर चीनी भी नहीं डाली है और कुछ भी नहीं यूज किया, खाली अभी सॉल्ट डाला है। सीक्रेट था इस सूप को बनाने में, वो है नॉर का टमाटो सूप का, जो 10 रुपए का पाउच है, इसमें से मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी। मैंने 1 टीस्पून लिया है और मैं इसमें ये डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इससे हमारे सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और इस सूप को गाढ़ा करने के लिए भी मैंने और कुछ भी यूज नहीं किया है, कॉर्नफ्लोर या कुछ भी, बस यही एक टीस्पून डाला है, और इसको मैं अच्छी तरह उबाल आने दूंगी और हमारा सूप तैयार हो जाएगा। आंच में अभी तेजी कर दे रही हूँ, पर अब यदि आप ढक के पकाएंगे तो आपको आंच धीमे करनी होगी, क्योंकि मैं इसको खुला ही पका रही हूँ। इस सूप को आप फ्रिज में 1-2 दिन स्टोर भी कर सकते हैं और 2-3 दिन इसका उपयोग कर सकते हैं। डालने के बाद मैं इसको करीब 2 से 3 मिनट उबलने दूंगी और हमारा सूप उबल के तैयार हो जाएगा। हमारा सूप बन के तैयार है, इसमें बहुत अच्छी तरह उबाल आ गया है, 2-3 मिनट ये उबल गया। मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको 2-3 मिनट ढक के रख दूंगी।